देखिए, अब वो कहाँ गए करप्शन जहां वाले? तक शेट्टर जी की बात है, सावधी जी ने भी तो छोड़ दी इनकी पार्टी, वो भी तो नाराज हैं क्योंकि ये भ्रष्ट सरकार है। और अगर आप बात कर रहे हैं वॉशिंग मशीन की, तो वॉशिंग मशीन इन्हीं के पास है, क्योंकि इनके साथ जो नहीं रहेगा उसके पीछे ये आने वाले समय में पड़ेंगे। लेकिन अंदर से ये इसलिए फट रहे हैं क्योंकि अंदर ही इनके गुस्सा सिमर कर रहा है। और आप देखिए ना, इन्होंने लिंगायतों के साथ कितना बड़ा धोखा किया, चाहे येदियुरप्पा जी को ले लीजिए, चाहे उनको जो छोड़ चुके शेट्टर जी और सावधी जी, उनको किस तरह से इन्होंने ट्रीट किया ये पूरी कर्नाटका की जनता जानती है। और ये भी आपको याद करा दूं कि माधव वीरपक्षप्पा के घर से 8 करोड़ रुपए मिले थे, ये जनता के पैसे थे। अगर जाकर वहां पर आप कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वहां की जनता जानती है कि जिसका इनॉग्रेशन वो करते हैं वो सड़क उसी वक्त टूट जाती है। ये नहीं बताते कि इन्होंने जो रिजर्वेशन दिया है उस पे तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग गया है, ये नहीं बता रहे। ये धोखा दे रहे हैं बोकालिकास को, लिंगायत को, एसटीज को, एसटीज को, ये धोखा दे रहे हैं महिलाओं को जिनके घर में उज्ज्वला गैस योजना वाली गैस नहीं है। और जो गैस पहले 400 रुपए में आती थी, अब 1120 रुपए में ठीक है महिलाओं को ठीक है, एक बार खरीदना पड़ रहा है। ठीक है मैं